गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 23 चैप्टर सिक्स. ओके सो दिस इज योर चैप्टर द नाउन केस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग इन प्रीवियस वीडियोस, राइट? एंड व्हाट इज द केस? वी विल अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज द केस. ओके सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो हियर हैज गिवन सम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट इज रीना ईट्स मैंगोस. रीना क्या करती है? आम खाती है. द टीचर बीट्स रीना. द टीचर बीट्स रीना. रीना को किसके द्वारा पीटा गया? टीचर्स के. दिस इज टीचर के द्वारा. ओके दिस इज रीनास पेन. बिलोंग किससे कर रहा है? रीना के पेन, यानी कि रीना का पेन है. इन द फर्स्ट सेंटेंस रीना डज सम वर्क. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए रीना क्या कर रही है? कुछ काम करती है, राइट? इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्शन ऑफ बीटिंग बाय द टीचर कम्प्लीट्स विद रीना. इन द थर्ड सेंटेंस द पैन बिलोंग्स टू रीना. सो रीना हैज़ बीन यूज इन डिफरेंट स्टेट्स. रीना क्या कर रही है? डिफरेंट स्टेट्स में. सो द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस कॉल्ड केस. सो नाउन और प्रोनाउन में जो भी आएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, और प्रोनाउन ही शी इट लाइक दिस. बाकी जो इसे रिलेशन बता रहा है तो उसमें ये क्या आ जाएगा? आपका केस हो जाएगा, ठीक है? जितना भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका केस हो जाएगा. सो डेफिनेशन, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द केस? केस इज दैट फॉर्म अ नाउन और प्रोनाउन विच सर्व्स इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. देर आर फाइव केसेस. तो देर आर फाइव केसेस आर गिवन. नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनेटिव केस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केसेस और नॉमिनेटिव केस इज वन थिंग. ओके सो वी कैन से नॉमिनेटिव केस एंड वी कैन से सब्जेक्टिव केस. सो वेर अ नाउन or pronoun is used as a subject of a verb, it is said to be in the nominative or subjective case. For example, Akshay was a good boy. Akshay kya hai? Good boy tha. ठीक है. The cow is a useful animal. She lights the lamp. The stone fell from above. Okay. So in the above sentence, the words Akshay, the cow, see, the stone, and the subjects of the verb is light and fell respectively. So they are said to be in the nominative or subjective case. यहाँ पे Akshay was a good boy. Akshay क्या है? Good boy था. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका subjective case है वो क्या है? द नॉमिनेटिव केस इज अ सेंटेंस कैन बी फॉर्म बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु, विच और व्हाट टू द वर्ब. सो हु वाज अ गुड बॉय, आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपका अक्षय है. सो अक्षय वाज अ गुड बॉय. ओके विच इज अ यूजफुल एनिमल, द काओ इज अ यूजफुल एनिमल. हु लाइट्स अ लैम्प, सी लाइट्स अ लैम्प. विच, सॉरी, व्हाट फेल, सो द स्टोन. ओके सो हेंस राम, सी, द काओ, द स्टोन आर इन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. लेट्स सी नेक्स्ट पेज 24. Second is objective case or accusative case. Accusative case or objective case, same things is there. A noun or pronoun that is object of a verb in a objective case. So noun और जो pronoun होता है उसके बारे में जो हम बताते हैं, ठीक है, कि मतलब वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है, that is a objective case. So like रोहित bought a watch. रोहित ने क्या खरीदी? वॉच खरीदी और एक घड़ी खरीदी उसने, ठीक है. अमन hated मोहित. अमन जो है hate करता है मोहित को. तो किसके द्वारा? अमन ने, मतलब मोहित जो है हेट किया गया अमन के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेंटेंस अ वॉच एंड अमन आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट एंड हिटेड रिस्पेक्टिवली दे आर सेड. ओके सो रिमेंबर ऑब्जेक्टिव केस कैन बी फाउंड आउट बाय पुटिंग द क्वेश्चन होम और व्हाट आफ्टर द वर्ब. सो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इसमें हम लास्ट में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, होम और व्हाट आफ्टर द वर्ब. ओके And like, what did Rohit buy? So a watch. Whom did Aman hate? Mohit. Hence, a watch and Mohit are in the objective case or accusative case. So Mohit and Aman can reverse or exchange their case when the same sentence is written in the passive voice. Example, Aman was hated by Mohit. So this is a passive voice sentence. And here Aman and Mohit are in the nominative and accusative case respectively. Okay, accusative case. Okay, so direct, indirect object kya hota? What is the meaning of direct object and what is the meaning of indirect object? So some verb like teach, tell, give, ask, offer, promise, take, to, object. After them, one of these object refers to some person living. So the other refers to something non-living. So look at this sentence. The teacher taught us English. Okay, mother gave her bag or a rupee. यानी कि टीचर ने किसको क्या पढ़ाया? इंग्लिश. तो इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई गई? टीचर के द्वारा, मतलब हमें पढ़ाई गई. मदर गेव द बैगर रुपी. मदर ने क्या किया? बैगर को एक रुपये दिया. इन अ सेंटेंस वन, अस एंड इंग्लिश आर बोथ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
taught us in the indirect object and English the direct. यहाँ पे जो us है आपका क्या है, आपका indirect object. Okay, English क्या है आपका, direct object. So in sentence टू, the beggar and the rupee are both object. यहाँ पे जो beggar और rupee है वो both object है of the verb. And beggar is the indirect object and rupee the direct. Beggar यहाँ पे क्या होगा, indirect object हो जाएगा, और rupee यहाँ पे क्या हो जाएगा, direct object. तो dative case. Now dative case. अब what is the meaning of dative case? A noun is said to be in the dative case when it is the indirect object as. जैसे noun होता है वो dative case में देखेंगे कैसे होता है, when it is direct object as. Akash gave Supriya a book. आकाश ने दिया सुप्रिया को एक बुक. द टीचर आस्क्ड राजेश अ क्वेश्चन. टीचर ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा राजेश से एक क्वेश्चन. सो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट सेंटेंस इज बुक एंड इन द सेकंड सेंटेंस इट इज अ क्वेश्चन. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बैठता है, क्या बनता है यहाँ पे, बुक क्या आ गया आपका डायरेक्ट, और सेकेंड सेंटेंस में आपका क्या बन जाएगा, जो आपका सेकेंड सेंटेंस है उसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन. ठीक है. So while the indirect object in the while the indirect object in the first sentence Supriya, in the second it's Rajesh and they are in the dative case. तो ये आपके dative case, Supriya and the Rajesh क्या आ गया आपके dative case में. The position of the dative case indirect object is immediately after the verb or after the direct object following a preposition as. So the position में क्या होता है dative case indirect object में चल जाता है, immediately में after verb में after the direct object following a preposition as. ठीक है, preposition and के according. जो preposition होती है, he gave gave me a pen, उसने मुझे पेन दिया. So he gave a pen to me. ठीक है, he gave a pen to me. Sumit bought Raman a bat. Sumit bought a bat for Raman. Sumit ने क्या खरीदा, बैट खरीदा फॉर रमन के लिए. ओके, सुमित बॉट रमन अ बैट. सुमित बॉट अ बैट फॉर रमन. नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर पेज नंबर 25, केस इन अपोजिशन. सो केस इन अपोजिशन किसे कहते हैं, व्हेन अ वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट. द नाउन, तो द नाउन विच फॉलो इज सेट टू बी इन द अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट. एग्जाम्पल, जब क्या होता है, नाउन फॉलोज करता है अनदर टू डिस्क्राइब करता है विच, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब. जब एक को फॉलो करता है उसको डिस्क्राइब करता है, इट इज़ अ नाउन विच फॉलो इज सेट टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट. एग्जाम्पल, जैसे कि विराट कोहली आवर कैप्टन मेड 150 runs. सो विराट कोहली हमारा कैप्टन है जिसने कितने रन बनाए, 150 runs. सो वी सी दैट विराट कोहली एंड आर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन. है ना, दोनों क्या हो गए, सेम पर्सन. अवर कैप्टन हो गया विराट कोहली, वो हमारा क्या कैप्टन है, उसने कितने रन बनाए, 150 runs. सो द नाउन कैप्टन फॉलोज कपिल देव सिंपली टू एक्सप्लेन विच विराट कोहली इज रेफर्ड टू. तो अपोजिशन मीन्स प्लेस नियर. लाइक जैसे आप कह सकते हैं सरदार द पॉइंट वॉज ब्लाइंड. सो येस्टरडे आई शो योर फ्रेंड द लॉयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन मीन्स प्लेस नियर. सरदार जो सरदार द पॉइंट है वॉज ब्लाइंड. तो ये क्या आपका नॉमिनेटिव केस हो गया. ठीक है, सो येस्टरडे आई शो योर फ्रेंड द लॉयर, ये आपका अक्यूसेटिव केस हो गया. राजू द फ्रूट सेलर शॉप इज क्लोज नाउ, दिस इज पॉजिटिव केस. यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या, राजू द फ्रूट सेलर शॉप इज क्लोज, जो सेलर की शॉप. ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव केस में, क्या होता है फर्स्ट स्टॉप केस लग जाता है. ठीक है, अक्यूसेटिव केस में येस्टरडे आई शो योर फ्रेंड द लॉयर. ओके, नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, नेम आ गया सुधार द पॉइंट वॉज ब्लाइंड, राइट. सब्जेक्ट, सो अ नाउन इज अ अपोजिट इज फाउंड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हिच विद द नाउन इज एक्सप्लेन एज व्हिच सरदार व्हिच फ्रेंड व्हिच राजू, राइट. सो व्हाट इज द फोर्थ वन, फोर्थ वन इज वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव और एड्रेस. Vocative case or nominative or address, what is the meaning of this thing? So if a noun is used to name a person, अगर कोई नाम हम use करते हैं person or thing address, it is said to be in the vocative case. For example, come here boys, Brindal listen to me. So this is a vocative case, okay, and also called nominative or address. So in the above sentence, boys and Brinda, Brendra are the names of the person spoken to or the addressed. They are therefore said to be in the vocative case. The vocative case is also called the nominative of address. तो इसी को जो vocative case है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, nominative of address भी कहते हैं. So vocative case में क्या होता है, come here boys, Brendra listen to me. Okay, so this is a vocative case or nominative of addresses. Okay, so next is 5-1, last one, possessive case or genitive case. Possessive केस और जेनेटिव केस क्या होता है, अ नाउन इज अ पॉजिटिव केस इज द
इज़ द पजर ऑफ द थिंग, जैसे कि ही इज़ मोहन्स फादर, तो यहाँ पे क्या है मोहन फादर, यानी कि वह जो है मोहन का पापा है, ठीक है, वह क्या है मोहन का पापा है। दिस इज सीताज बुक, ये सीता की बुक है। टू फाइंड द पॉजिटिव केस पुट द क्वेश्चन मार्क हुज, हुज फादर मोहन, हुज बुक सीता, ओके। सो द पॉजिटिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजिशन, इट इज यूज टू डिनोट authorship, origin, kind, etc. So Prem Chand's novels, so novel, the novels written by Prem Chand, so Prem Chand जो novels है किसने लिखी है, the novels written by Prem Chand, okay, Prem Chand की novel, और हम बोल सकते the novels written by Prem Chand, a mother's love, the love felt by a mother, the prime minister's speech, so the speech delivered by the prime minister, जो दी गई है delivered हुई है, ओके, द बाय द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर तिवारीज हाउस, द हाउस वेयर द तिवारी लिव्स, जहाँ तिवारी रहता है, अ मदर्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ मंथ, फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव और जेनेटिव केस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रोहित फादर इज अ मैनेजर, द एलिफेंट्स ट्रंक इज लॉन्ग, द बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ही इसका मतलब होता है का ऑफ, ओके। नेक्स्ट थिंग वी कैन से हियर एंड वी कैन सी हियर ऑल्सो इन दिस सेंटेंस, द नाउन इन द पोजिशन पॉजिटिव केस आर इन द सिंगुलर नंबर, द पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एन एस टू द नाउन, सो रिमेंबर द लेटर्स इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी हिजिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर एज फॉर कंसाइंस सेक फॉर गुडनेस सेक फॉर जस्टिस सेक फॉर जेसस सेक द मोसेस लॉस लॉस, सो वेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एज अ पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी एस, दिस इज अ गर्ल्स हाउस, वी शॉ रोज ऑफ सोल्जर्स टेंट, ऑल दीज हॉर्सेज फीट आर शोल्ड, तो वेन द नाउन द प्लूरल डज नॉट एंड इन एस, द पॉजिटिव साइन इज फॉर्म बाय एडिंग एस एस, तो दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, इज वर्किंग इन अ वुमेन्स हॉस्पिटल, मैंस हेड्स आर ऑन द टेबल, वेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, सो द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड ओनली द लास्ट वर्ड एज, दिस इज द राणा ऑफ मेवाड़'स प्लेस पैलेस, सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ओके। वेन टू नाउन्स इज अपोजिशन द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली एज, दिस इज अ सचिन क्रिकेटर्स बैट, ओके, दैट इज टैगोर द पोएट्स नावल novel, also when two nouns are closely connected the positive is put to the letters as Sam and Ram's bakery, Sam and Ram's bakery, the bride went to her father-in-law's house, wherein the Martin's book of grammar is a good grammar. Now look at their seven, each of two or more connected noun are implying seven, implying separate position, possession must take the positive sign as Prem Chand's and Shakespeare novels, Mohan's and Sohan's ka uses of the positive case. So the positive case is chiefly used when the noun refers to some living things as the elephant's trunk, the dog's tail, Santosh ring, boy's leg. Right. So here note, we have to note this thing, but we use of with object without life as the leg of the chair, the foot of the mountain, the back of the chair and not the table's legs. So the door of the house, the pegs of the book, etc. The PC is used with the name of personified object. Okay, what is the full form this one? PC किस लिए यूज़ होता है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए, इंडियाज हीरोज, नेचुरल लॉ, दिस स्टोर, फॉर्चून स्माइल, ड्यूटीज कॉल, वर्स वर्स पोएम, द लायंस माइन एक्सेट्रा, सो द PC यूज विद द नेम्स ऑफ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट लिए भी होता है, जैसे द सन रेज सन की किरणें, गॉड्स विल द हेवन विल द माइंड्स आईज एक्सेट्रा, द PC यूज विद द नेम्स ऑफ टाइम स्पेस एंड वेट एक्सेट्रा, टाइम वन डेज लीव एट वीक्स एंड अ डेज जर्नी, ओके वन डेज लीव एक दिन की छुट्टी, एट वीक्स एंड का वीक जो होता है, अ डेज जर्नी, अ मंथ्स हॉलीडे, थ्री ईयर्स सर्विस, ओके, स्पेस अ स्टोन्स थ्रो, अ हियर्स ब्रेथ, अ फुट लेंथ, अ मीटर लेंथ, वेट अ पाउंड्स वेट, अ टोन्स वेट, तो इज द सिंगुलर नाउन एंड इन एज देर आर टू वेज टू मेक दैम पॉजिटिव एज, दिस इज सुक्रैट्स फ्रेंड, सुक्रैट फ्रेंड्स, सुक्रैट्स और सुक्रैट्स फ्रेंड, सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सुक्रास में SOCRATES अपोस्ट्रॉफी लग गया, फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SOCRATES एंड अपोस्ट्रॉफी एस फ्रेंड्स, सो जेम्स हेड जेसस टीचिंग, ओके, सो द वर्ड्स हाउस शॉप स्कूल कॉलेज चर्च कैड्रॉल आर ऑफन ऑमिटेड आफ्टर अ पॉजिटिव केस एज आई बॉट दिस बुक फ्रॉम मैकमिलन शॉप, सो शॉप इज अंडरस्टूड, राइट,
So I am a student of ST Jones. So school or college and understood, right? So I met him at Jyoti's. So house is understood. I met him at Jyoti's. कि मैं ज्योति से मिला. Okay. So students, please read this chapter carefully and listen this video many times. Then you will understand better way. Okay. So and you have to send your assignment also, and which assignment I have given to you. So I hope all students have done your assignment. So please send your assignment till 7 p.m. Okay, students. Okay, bye.